तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में होने वाला है कि जैसे हम कोड प्ले करते हैं, कोई सा भी कोड हो गया, मेजर हो गया, माइनर हो गया, शार्प कोड हो गया, या हम स्ट्रमिंग करते हैं, तो हमें कितनी स्ट्रिंग प्ले करनी चाहिए। अगर हमने डी कोड लगाया तो हमें कितनी स्ट्रिंग प्ले करनी होनी चाहिए, मतलब कि हमें कितनी स्ट्रिंग प्ले करनी है। हमने सी कोड लगाया तो हमें कितनी स्ट्रिंग प्ले करनी है। अगर हमने ए मेजर लगाया तो हमें कितनी स्ट्रिंग प्ले करनी होती है। तो आज की वीडियो में वही मैं आपको बताने आया हूं। तो उससे पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर कर लेना ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब आ जाते हैं अपने क्लोज लुक में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें स्ट्रिंग कौन कौन सी प्ले करनी होती है। चलो, स्ट्रमिंग का तो काम पड़ेगा आज हमें, तो क्लोज लुक में नहीं आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डी मेजर कोड की, ठीक है। मैं आपको मेजर भी बताऊंगा, माइनर भी बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। जैसे कि हम डी मेजर कोड प्ले करते हैं, ठीक है, ये हमारा डी मेजर कोड, ये हमारे डी मेजर कोड। अब हम इसके अंदर कितनी स्ट्रिंग प्ले करें और कितनी स्ट्रिंग प्ले ना करें, वो हमें कैसे पता चलेगा। जैसे कि हमारा डी मेजर कोड है, सबसे पहले हमें डी मेजर कोड में ये पता होना चाहिए कि हमने नोट कितने प्ले कर रखे हैं। सबसे पहले आप ये बताओ, हमने डी मेजर में कितने नोट प्ले कर रखे हैं। हमने तीन फिंगर लगा रखी है तो हमने तीन नोट प्ले कर रखे होंगे। जैसे कि हमारा हो गया ये तीन, तो नोट कौन कौन से हैं। एक तो हमारा एफ शार्प हो गया, ये हो गया हमारा ई एफ एफ शार्प, हमने प्ले कर रखा है। एक हमने प्ले कर रखा है, ये हो गया हमारा ए नोट, ये हो गया हमारा ई बी जी जी शार्प के बाद हमारा हो गया ए नोट, ए नोट हमारा ये वाला हो गया। एंड देन और हमने कौन सा नोट प्ले कर रखा है, एक हमने कर रखा है डी नोट प्ले, ठीक है। अब हम कितनी स्ट्रिंग प्ले करेंगे, हम क्या तीन स्ट्रिंग प्ले करेंगे। हमारा तीन पे फिंगर है तो हम क्या तीन स्ट्रिंग प्ले करेंगे, नहीं। तो सबसे पहले ये बताइए कि हमने तीन स्ट्रिंग प्ले कर रखी है, ऊपर वाली कौन सी है। ऊपर वाली हमारी डी, मतलब कि ये जो हमारी है फोर्थ स्ट्रिंग, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये हमारी फोर्थ स्ट्रिंग है। तो ये है हमारी कौन सी स्ट्रिंग है, डी स्ट्रिंग। तो डी नोट हमारा प्ले हो रहा है, पहले बताइए, हमारा डी नोट प्ले हो रहा है तो डी स्ट्रिंग भी हम प्ले कर सकते हैं, मतलब की चौथी भी स्ट्रिंग हम प्ले कर सकते हैं। चार स्ट्रिंग हमारी कवर हो गई। अब बताइए, जो डी के स्ट्रिंग के ऊपर है ये हमारी कौन सी स्ट्रिंग है, ये हमारी ए स्ट्रिंग है, ई बी जी डी ए, ठीक है। अब ये देखिए आप कि हमने क्या डी मेजर कोड के अंदर हमने ए नोट प्रेस कर रखा है, ये वाला हमने ए नोट प्रेस कर रखा है। इसका मतलब कि हम ए, जो हमारा ए नोट है वो हमारा यहाँ पे भी प्ले हो रहा है और ऊपर ओपन स्ट्रिंग है तो हम ये भी प्ले कर सकते हैं। अब ये देखते हैं ये वाली स्ट्रिंग कौन सी हमारी, ये हमारी ई स्ट्रिंग है, क्या हमने ई स्ट्रिंग हमने प्ले कर रखी है, नहीं प्ले कर रखी। ई नोट होता है हमारा ये वाला सेकंड फ्रेट की फोर्थ स्ट्रिंग, तो अब हम ई स्ट्रिंग जो ये वाली इसको म्यूट करना पड़ेगा। तो अब हमारी डी मेजर कोड के अंदर अब हमारी तीन, मतलब की पांच स्ट्रिंग प्ले होंगी, बस पांच स्ट्रिंग पे ही आपको प्ले करना है, बाकी पांच स्ट्रिंग पे आपको प्ले करना है। और जो हमारी सिक्स्थ है उस पे आप अपना थंब लगा सकते हैं या उसको अवॉइड कर सकते हैं, आप स्ट्रमिंग कर सकते हैं। मैं तो हमेशा थंब लगाता हूँ, कभी ऐसा होता है, कभी हम फ्लो में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्लो में आ जाते हैं, गाने में मगन हो गए तो इस पे हमारा स्ट्रिंग पे हाथ लग जाता है, तो इतना ध्यान नहीं होता हमारी कितनी स्ट्रिंग प्ले हो रही होती है, तो वो भी प्ले होने लग जाती है तो अजीब सी साउंड आती है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पे ना हल्की सी फिंगर, मतलब कि जो हमारा ये थंब है तो इसको टच कर लेता हूँ, तो इससे क्या होता है म्यूट हो जाती है। अब मेरी सब पे प्ले करूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी म्यूट है। तो आपको पता चल गई होगी कि हमें कैसे वेरीफाई करना होता है कि हमारी कितनी स्ट्रिंग प्ले होगी। अब सपोज करते हैं हम सी मेजर कोड ले लेते हैं। सी मेजर कोड में हमने सबसे पहले हमें बेस नोट देखना होता है, हमें बेस नोट से ही स्टार्टिंग करनी पड़ती है कोड की। जैसे हमारा डी पे था तो हम फोर्थ स्ट्रिंग से भी प्ले कर सकते थे, बट हमने फिफ्थ से भी करा क्योंकि जो हमारी फिफ्थ स्ट्रिंग है वो भी हमने डी कोड के अंदर प्रेस कर रखा है वो नोट। तो अब हम सी पे चलेंगे, तो अब हमारा सी के अंदर ई नोट आता है। ये देखिए हमने तीन नोट प्ले कर रखे हैं, ठीक है, हमने सी मेजर कोड में तीन नोट प्ले कर रखे हैं। एक तो हमने सी कर रखा है, एक ई कर रखा है, एक हमने कर रखा है सी, ठीक है, और एक हमने कर रखा है जी, एक कर रखा है हमने ई। तो अब हम सी मेजर कोड के अंदर सारी स्ट्रिंग प्ले कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सी मेजर कोड के अंदर हमारे ई नोट भी आता है जो कि हमने यहां से प्रेस कर रखा है। ये हो गया हमारा सी नोट, ये हो गया हमारा सी कोड, ठीक है, ये हमारा सी कोड हो गया। तो इसके अंदर हमने ई नोट भी प्ले कर रखा है और ओपन भी हमारी जो ऊपर की सिक्स स्ट्रिंग है वो भी हमारी ई स्ट्रिंग है, तो हम सी कोड के अंदर हम सारे नोट प्ले कर सकते हैं। ये कौन सी हो गई, ई हो गई, ये कौन सा हो गया, सी हो गया, सी तो हमारा कोड है, ये कौन सी हो गई, ई बी जी, तो जी भी आता है हमारा सी कोड के अंदर। ये हो गई हमारी जी, ये हो गई हमारी ई बैक टू, ये हो गई हमारी सी, ये हो गई हमारी
जो सिक्स है हमारी स्ट्रिंग वो हो हमारी ई, तो हम सी के अंदर सारी स्ट्रिंग प्ले कर सकते हैं। ए माइनर के अंदर, ए कोड के अंदर, ए कोड के अंदर हमने सबसे पहले क्या, ये कौन सी स्ट्रिंग है, ई, ई नोट आता है ए कोड के अंदर आता है, ठीक है। और हमारी कौन सी स्ट्रिंग ओपन है, एक हमारी फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन है, ये कौन सी स्ट्रिंग है, ये ए स्ट्रिंग है, तो ए कोड के अंदर हमारा ए नोट आता है, आता है, तो हम इसको भी प्ले करेंगे। अब सबसे ऊपर वाली कौन सी स्ट्रिंग है, ये हमारी ई है, तो ई नोट हमने प्रेस कर रखा है, तो ए कोड के अंदर हम सारी स्ट्रिंग प्ले कर सकते हैं। ए माइनर ले लो, ओपन कौन सी स्ट्रिंग है पहले देखते हैं हम, ओपन कौन सी स्ट्रिंग है, एक नीचे वाली एक ऊपर, ये वाली तीन है, एक तो होगा हमारी ए और एक होगा हमारी ई, दो नीचे की, तो ए और ई हमने ये प्रेस कर रखी है, तो हम सारी ही स्ट्रिंग प्ले कर सकते हैं। अब हमारा कौन सा हो गया, अब हमारा जी कोड, जी कोड में तो हमारी सारी ही प्ले होती है, और हमारा सी हो गया, ई माइनर हो गया, ई माइनर में भी हम सारी स्ट्रिंग प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी सिक्स वो भी हमारा ई है, मेजर में भी हम सारी स्ट्रिंग प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा कौन सा, डी माइनर, डी माइनर में भी हम फिफ्थ स्ट्रिंग प्ले, वो सिक्स्थ स्ट्रिंग हम प्ले नहीं कर सकते, ठीक है, नोटबुक पर नोट कर लेना जो जो मैं बता रहा हूँ, या वीडियो को रिपीट कर लेना। फिफ्थ स्ट्रिंग हम, सॉरी, जो हमारी ये है ई नोट, ये हमारा ई कोड, मतलब कि डी माइनर कोड में ई नोट नहीं आता, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको म्यूट कर रहे हैं, इसलिए तो ये हमारी म्यूट हो गई। अब हमारा कौन सा बचा, ओपन में मेजर हो गया डी, माइनर हो गया ए, हो गया माइनर हो गया, एंड ई माइनर हो गया हमारा, मेजर भी हो गया, सारे मैंने आपको बता दिया, वीडियो को स्टार्ट कर लीजिए दोबारा से, आपको मैं वीडियो चालू हो जाएगी तो फिर आपको पता चल जाएगी कि मैंने क्या क्या बताया। तो ई मेजर में भी हम सारी कोड प्ले कर सकते हैं, मतलब कि सारी स्ट्रिंग प्ले कर सकते हैं, और हम जी मेजर में भी। और रही हमारी बार की, तो बार में तो हमारी सारी ही स्ट्रिंग प्ले होती है, क्योंकि अब हमने बार लगाया, ये हमारा कौन सा बार है, ये मेरा जी मेजर है, ठीक है, जी मेजर ये हमारा कोड है, तो जी मेजर, ये वाली जी मेजर है और ऊपर वाली भी जी मेजर है, अगर हमने इसको प्रेस कर ली तो बार में तो हमारी फिलहाल तो हमारी सारी ही होती है, बस ओपन की हमारी टेंशन होती है कि हमें कौन सी स्ट्रिंग प्ले करनी है, तो वो मैंने आपको बता दिया, ए में सारी होंगी, ए माइनर में सारी होंगी, ई में सारी होंगी, ई मेजर में भी हमारी सारी स्ट्रिंग प्ले होंगी, जो हमारा डी था उसमें फिफ्थ स्ट्रिंग म्यूट होगी, मेजर में भी और माइनर में भी, ठीक है। और बाकी हमारा कौन सा कोड है, सी मेजर में हमारी सारी स्ट्रिंग प्ले होंगी, और कौन सा कोड है, और बाकी हमारा कोई कोड नहीं है जो ओपन में लगता हो, सी हो गया, जी हो गया, ई मेजर, ई माइनर हो गया, ई मेजर हो गया, डी हो गया, माइनर हो गया, मेजर हो गया, ए का ए माइनर हो गया, बाकी मैंने आपको सारा बता दिया, तो आपको इसकी हेल्प से पता चल गई होगी। तो आपको करना क्या है, बस इतना ही करना है कि आपको देखना कि कौन सी स्ट्रिंग प्ले नहीं हो रही, जो नहीं हो रही उसमें देखना कि आपका जो भी आपने कोड लगा रखा है, जो भी आपने, जैसे मैंने ए मेजर कोड लगा रखा है, ये मैंने तीन स्ट्रिंग प्ले कर रखी है ए मेजर कोड में, ये हमने तीन स्ट्रिंग प्ले कर रखी है, बट ये तीन नोट आपको ध्यान होने चाहिए कि आपने कौन से प्रेस कर रखे हैं, और बाकी नीचे की कौन सी है, ई है, ऊपर की कौन सी है, जो हमने फ्री छोड़ रखी है फिफ्थ है, तो ये हो गई हमारी ए, ऊपर की भी हमारी ई हो गई। तो अब हम देखेंगे कि हमारा ए, जो भी हमारी फ्री स्ट्रिंग है वो हमने क्या प्रेस कर रखी है, जो हमारा ए नोट है वो हमने प्रेस कर रखा है, ई नोट है वो भी हमने प्रेस कर रखा है, तो हम सारी ही स्ट्रिंग प्ले करेंगे। ये आपको लेसन आई होप पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लेना, ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बस आज की वीडियो में इतना था, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।